वेलकम बैक टू न्यू वीडियो गाइस। अभी ऑलमोस्ट 3:30 बज गए सुबह के, या आप बोल लो रात के। तो बेसिकली मैं कल शाम को 8 बजे कुछ सो गया था, काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी, तो फिर 4-5 घंटा सो गया। रात को उठा 11 बजे, तो तभी से मैं उठा हुआ ही हूँ। तो मैंने फिर सोचा कि लाइक ये वाली वीडियो की जो तैयारी करता हूँ, सब नोट्स वगैरह बनाता हूँ और सुबह सुबह उठ के शूटिंग करूँगा, बट मुझे नींद नहीं आ रही, तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है अभी वीडियो बना लेते हैं। तो मैंने बेसिकली मेरे नोट्स वगैरह बनाए थे, सो अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा सा कुछ खाऊंगा। पहले मेरे पास रेडी टू ईट आइटम्स है कुछ। एक टिप, जो भी स्टूडेंट्स एक बार पढ़ाई करने जा रहे हैं, रेडी टू ईट आइटम्स अपने पास हमेशा रखो, बिकॉज कभी भी भूख लगती है तो आप फटाफट गर्म कर सकते हो, लाइक गैस पे गर्म कर लो, माइक्रोवेव पे गर्म कर लो और आप वो खा सकते हो। सुबह के 7:30 बज गए, मुझे इतना टाइम खाने के लिए नहीं लगा। बेसिकली मैं तन्मय भट्ट की स्ट्रीम वगैरह देख रहा था ऑनलाइन, और फिर मैंने सोचा तो नहीं, टाइम कैसे निकल गया पता नहीं चला। सो गाइस, वीडियो के अभी मेन टॉपिक पे आते हैं कि लाइक कौन सी कंट्री आपको सिलेक्ट करनी चाहिए बेस्ड ऑन कौन सी पढ़ाई करनी है आपको, यूनिवर्सिटीज कैसे ढूंढनी है अक्रॉस द वर्ल्ड और कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। तो सबसे पहले गाइस, आपकी जो यूनिवर्सिटी ढूंढनी होती है और कंट्री ढूंढनी होती है, तो वो लाइक काइंड ऑफ हैंड इन हैंड जाता है, लाइक यू नो काइंड ऑफ आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी चीज़ पहले अप्रोच करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कंट्री ढूंढनी है, लाइक कौन सी कंट्री जाना है, तो आप क्या परस्यू करने के लिए जाना चाहते हो, बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी, वो डिपेंड करता है। उसके बाद आपको कौन सी फील्ड में जाना है, फॉर एग्जाम्पल आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करनी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है, आपको बिजनेस आर्ट्स करना है, या फिर आपको मेडिकल फील्ड में जाना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है और मास्टर्स करना है, तो बेस्ट ऑप्शन वुड बी एनी यूरोपियन कंट्री, लाइक जर्मनी होगा या फिर कोई और एक यूरोपियन कंट्री होगी, बिकॉज जर्मनी में मास्टर्स के लिए आपको कुछ पे नहीं करनी होती, ट्यूशन ऑलमोस्ट फ्री होता है अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आती है तो। बट अगर आपको कंप्यूटर साइंस में कुछ करना है, मास्टर्स आप यूएसए या फिर कनाडा में कर सकते हो, बिकॉज अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है, ट्यूशन कम होती है मास्टर्स की, और दीज कंट्रीज आर एक्चुअली नोन फॉर देयर कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिग्रीज, राइट। तो इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है कि लाइक आपने कौन सी कंट्री सिलेक्ट करनी है। अगर मेडिकल फील्ड में जाना है तो रशिया जाना चाहिए, आर्ट्स एंड बिजनेसेस के लिए यूके, फ्रांस, ये वाली कंट्री अच्छी होती है, और भी लाइक बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ है। ऑस्ट्रेलिया इंजीनियरिंग के लिए अच्छी है, न्यूजीलैंड अच्छी है एक। तो ये आपके लिए यू नो क्राइटेरिया होनी चाहिए क्या परस्यू करना है, बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी, कौन सी फील्ड में जाना है, और आप लाइक क्या चीज़ को प्रेफरेंस दे रहे हो, रैंकिंग को प्रेफरेंस दे रहे हो, पैसे को प्रेफरेंस दे रहे हो, स्कॉलरशिप को प्रेफरेंस दे रहे हो, या आपको जो फील्ड मिल रही है, लाइक यू नो आपको ये वाली पर्टिकुलर फील्ड में जाना है और आपको वो फील्ड कौन सी कंट्री में मिल रही है और बेस्ट मिल रही है, तो वो उसको आप प्रेफरेंस देते हो, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी सेकेंड चीज़ होती है कि यूनिवर्सिटी कैसे ढूंढनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने यूएस सेलेक्ट किया, बट आपको यूएस में कोई यूनिवर्सिटीज़ ढूंढनी है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप होगा कि आप गूगल पे जाओ और फॉर एग्जाम्पल बैचलर्स करनी है, बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस इन यूएसए, आप सर्च करो और आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी, राइट। तो यूनिवर्सिटीज़ के बारे में थोड़ा रिसर्च करो, उनके बारे में डेटा कलेक्ट करो, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ये लाइक यू नो अच्छे अच्छे स्टेट्स में है, और आपने किन के बारे में सुना है, किसके बारे में नहीं सुना, थोड़ा सा डेटा कलेक्ट करो। फीस हो गई, वहाँ का कल्चर क्या है लोगों का रहने का, और खाने पीने का वहाँ पे क्या सीन होता है, आपको रहने के लिए और खाने पीने के लिए कितना कॉस्ट होगा, ट्यूशन फ़ी कितना है, तो ये सब चीज़ें रिसर्च करो।
और उसके बाद सेकंड ऑप्शन होता है कि आप एजुकेशन फेयर, करियर फेयर होते हैं, तो एवरी सिटी या फिर कोई ना कोई सिटी के पास, मेजर सिटी में तो ये होते हैं, लाइक यू नो एवरी ईयर वहाँ पे जाओ, इन्फॉर्मेशन गैदर करो। और थर्ड ऑप्शन होता है कि अगर आपके कोई फैमिली फ्रेंड्स अब्रॉड रहते हैं तो आप उनसे बात करो कि लाइक यू नो उनके एक्सपीरियंस पूछो, उनकी फील्ड ऑफ स्टडी क्या थी, और अगर आपको सेम फील्ड में जाना है तो दे कैन गाइड यू, बट अगर नहीं जाना है तो आपको कुछ और परस्यू करना है तो आप एटलीस्ट उनकी हेल्प ले सकते हो उस चीज़ को पता करने के लिए, राइट? तो ये था कि आप यूनिवर्सिटी कैसे ढूंढ सकते हो। अभी आपने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर ली, राइट? तो उनके लिए क्या क्या एग्जामिनेशंस देनी है वो आपको पता करना है। तो फॉर एग्जाम्पल कैनेडा और यूएस में आपको SAT और TOEFL देना होता है, और एक्चुअली यूएसए के लिए SAT एंड TOEFL होता है, बट कैनेडा ये दोनों एग्जाम्स को भी एक्सेप्ट करता है। सो आपको स्पेसिफिकली IELTS नहीं देनी है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ कैनेडा जाना है तो आप SAT और IELTS दे सकते हो। अगर मास्टर्स करनी है तो आपको GRE और TOEFL देनी होती है, ये दोनों एग्जाम्स। अगर आप यूके में जा रहे हो तो अगेन आप लोग IELTS देते हो, और अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो GRE देते हो। डिग्री के लिए मुझे श्योर नहीं है BSc के लिए आप क्या देते हो, बट आपके शायद से जो मार्क्स है हायर क्लासेस के 11th और 12th वो कंसिडर होते हैं शायद से डायरेक्टली। और अगर आप जर्मनी जा रहे हो तो आपको जर्मन लैंग्वेज की एग्ज़ाम देनी होती है, अगर आपको फ्री ट्यूशन चाहिए तो। रशिया जा रहे हो तो उनकी कुछ अलग एग्जाम्स होती है यूनिवर्सिटीज़ की, स्पेसिफिक टू देम। सो गाइज, अभी आपने यूनिवर्सिटी ढूंढ ली, आपकी कंट्री सिलेक्ट हो गई, आपने वहाँ की एग्जाम्स दे दी और आपका एप्लीकेशन प्रोसेस सब हो गया। आपने 10 यूनिवर्सिटी को फॉर एग्जाम्पल अप्लाई किया था और आपको 7 यूनिवर्सिटीज़ ने एक्सेप्ट कर लिया, तो आप अभी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कैसे करोगे? लाइक यू नो मुझे ये वाली यूनिवर्सिटी में जाना है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए, एक क्राइटेरिया बनाया, आप उसको यूज़ कर सकते हो। अभी ये वाला क्राइटेरिया हर कोई बंदा लाइक यू नो अपने हिसाब से यूज़ कर सकता है, लाइक चेंज कर सकता है, बिकॉज हर एक बंदे का लाइक यू नो पोजिशन अलग होता है, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती है। तो वो कुछ यहाँ पे मैं डाल दूंगा लाइक क्राइटेरिया, आप वो देख लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चों की लाइक यू नो रिक्वायरमेंट होगी कि मुझे सिर्फ रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटी में जाना है, कि लाइक बेस्ट वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी में जाना है, जो बेस्ट यूनिवर्सिटी होगी कंप्यूटर साइंस के लिए उसी यूनिवर्सिटी में जाना है। कुछ स्टूडेंट्स के लिए पैसा बहुत बड़ा फैक्टर होगा कि लाइक यू नो फीस वगैरह जहाँ पर कम होंगी उन्हें वो प्रेफरेंस देंगे वो यूनिवर्सिटी को, या फिर स्कॉलरशिप जहाँ पे ज़्यादा अच्छी मिलेगी उस यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस देंगे। कुछ स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है कि लाइक जैसे मुझे स्पेशलाइजेशन करना है ये वाले मेजर में, ये वाले फील्ड में, तो ये वाली एक अकेली यूनिवर्सिटी है जो मुझे वो फील्ड दे रही है तो मैं वहाँ पे जाऊँगा भले ही उसकी रैंकिंग ना हो। कुछ स्टूडेंट्स के लिए कोऑप एक बहुत बड़ा जो इंटर्नशिप होता है फैक्टर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं जो यूनिवर्सिटी में हूँ यहाँ पर इंटर्नशिप कंपलसरी है फॉर गेटिंग माई डिग्री, तो अगर आपको लाइक यू नो इंटर्नशिप कंपलसरीली करनी है तो वो यूनिवर्सिटी एक अच्छा ऑप्शन होगा। कुछ स्टूडेंट्स के लिए जो स्पैन होता है प्रोग्राम का वो लाइक यू नो एक क्राइटेरिया होता है कि लाइक अभी मैं अगर कोऑप कर रहा हूँ तो मेरी बेसिकली जो डिग्री की लेंथ है वो बढ़ जाएगी, वो 4 साढ़े 4 साल हो जाती है, बट अगर आप विदाउट कोऑप करते हो, विदाउट इंटर्नशिप करते हो, तो आप वही सेम डिग्री 3 साल में कंप्लीट कर सकते हो। तो हर किसी के लिए ये वाली जो क्राइटेरिया है वो चेंज होती है, तो वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करो। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन और डाउट्स है तो वो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दो, मैं उन्हें रिप्लाई करूंगा। अगर उनके ऊपर लाइक यू नो वीडियो बना पाऊँ तो वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।